नमस्कार इंडिया, आई नो एंड आई होप कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित हो। एंड लिटरली भाई, इंडिया लोग को फिट फाइन हैप्पी होना भी चाहिए, बट मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार। कोलकाता वाला लेकर और भी बहुत जगह ऐसे केसेस हुए हैं गाइज, एंड मैं बहुत सारे ऐसे पोस्ट पढ़ रहा हूँ कि ऑफकोर्स ये तो सही बात है कि पता नहीं किस कौन थे वो लोग जिन्होंने हमें हाथ में लेके मोमबत्ती पकड़ाना चलना सिखा दिया महाभारत में लड़कियों के। भाई जब भाई आता है लड़कियों के ऊपर तो महाभारत हो जाती है। तो लिटरली ये फैक्ट तो मैं सही ही बोलूँगा, 100-100% सही है, बट फिर भी भाई कैंडल लेके चल रहे हैं। तो भाई उनको है कि इनके साथ गलत क्यों हुआ, और भाई क्या ही बोल सकता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस ये थंबनेल लिखा, हाँ इस थंबनेल में तुम्हें जो भी चिटकोट दिख रहा है उसके बारे में मैं यानी उपसेरी बकचोदी करेगा, तो मेक श्योर कि टेंशन ना लो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सीधा जहर खाओ, काम खत्म। ऑफकोर्स ओके, तो टेंशन मतलब मैं हूँ ना उपसेरी, सब हैंडल कर लूँगा, क्योंकि आजकल मैं रियल लाइफ में भी सबके टेंशन को मैं ही हैंडल करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बी पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं किसी और को टेंशन को हैंडल नहीं करता ये समझ के कि उसका टेंशन मैं ये समझ के हैंडल करता हूँ कि भाई मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, अपने आप ठीक हो जाएगा मामला। तो ऐसे ही लाइफ में हैप्पी बी पॉजिटिव रहना चाहिए। और ए आज तो मैं तुम्हें ब्लॉग के साथ एक मोटिवेट बातें बताऊँगा जो मेरे रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने पर ठीक हुआ है, और वो भी उसने इंस्टेंट काम किया, पर मेरे जैसे बुद्धू इंसान को पता नहीं था कि इंस्टेंट भी काम करता है। बट पता तो था कि इंस्टेंट चीज़ मैनिफेस्ट काम करता है, बट इतने इंस्टेंट काम कर लेगा ना, चलो क्या बताते हो क्या काम किया। तो फाइनली जो थंबनेल में दिखा था वो सबके बारे में मैं बकचोदी करूँगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि आई नो कि उपसेरी को तुम लोगों पे कितना ट्रस्ट हो, ये ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, और ना तुम तोड़ना ना हम तोड़ेंगे, और दोनों नहीं तोड़ेंगे तो एक रिश्ता बन जाएगा। एंड वैसे भी कल एडवांस में दोबारा बोलूँगा हैप्पी रक्षाबंधन कल है। तो हेलो गाइस, केम चोरारा, सबके स्वागत है हमारे उपसेरी के चैनल पे। मैं कितना बेवकूफ़ इंसान डफर हूँ ना, एक दो मिनट की वीडियो हो जाती है तब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हेलो नमस्कार। हाँ तो गाइस ये वीडियो पता है मैं किस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू आर लिटरली शॉक्ड एंड आई एम ऑल्सो शॉक्ड। मेरा ही फ़ोन ख़राब हुआ था, हाँ मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे घर में 3 लगभग फ़ोन हो चुका है, तो जो मेरा बचपन से बोल सकते हो साथ में फ़ोन था वो ख़राब हो चुका है। बचपन से एक और मोटो नाम का फ़ोन था जब चला था उस टाइम, एंड इसके बाद ये टेक्नो वाला फ़ोन है, तो भाई बहुत टाइम से टेक्नो ही चल रहा था, ये ख़राब हो गया था। पहले से इसका डिस्प्ले का अलग ही माँ बहन हो रखा था, तो उसका अलग ही सिस्टम था। फिर भाई मैंने बोला था कि ये फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है मतलब 2-3 दिन तक, तो फिर ऑफ ही हो गया ये। तो फाइनली मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मेरे फ़ोन तब ठीक हो जाए, मतलब मैंने ये मैनिफेस्ट किया था। मतलब मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ गाइस कि मैनिफेस्ट मैंने किया था कि एक्चुअली मैंने पापा को नहीं बताया था कि फ़ोन वोन ख़राब हो गया, वरना पहले डांटते उसके बाद फ़ोन ठीक करवाते। ओके, तो ये सब मैं झंझट नहीं लेना चाहता था, डांट तो मुझे वैसे भी पड़ी थी तुम्हें पता ही है, बट फिर मैं वो अलग ही पापा को ये डालना चाहता था फ़ोन ख़राब हो गया बनवा दो ये सब, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता था। तो मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया था, मैंने उसी टाइम या एक दो दिन के बाद मैनिफेस्ट किया कि आई मैनिफेस्ट कि मेरा फ़ोन ठीक हो जाए तब तक जब तक मेरे पास इनफ पैसे नहीं हो जाते कि मैं इस फ़ोन को ठीक करवा दूँ। ओके गाइस, एंड लिटरली उसके अगले दिन मैंने देखा फ़ोन ऑन हो रहा था, मतलब ना उसमें चार्जिंग शो हो रहा था कि कितने चार्ज हैं। फिर मैंने उसको चार्ज में लगाया, एंड चार्ज में लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद निकाल के उसको रख दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन था, तो वो होता है ना एक फ़ोन रहता है तो दूसरे फ़ोन पर इंटेंशन नहीं जाती, मतलब अट्रैक्शन टाइप बोल सकते हो। तो मैं दूसरे फ़ोन में काम वाम करने लग गया था एंड बिजी हो गया था, एंड मैंने उसको छोड़ दिया था। बट आज लिटरली फाइनली मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि इस फ़ोन को खोलना है, एंड मैंने इंस्टेंट काम किया था मैनिफेस्ट। तो मैंने फिर आज सुबह मैंने फ़ोन ऐसे ऑन किया, ऐसे पकड़ के ऑन किया, एंड लिटरली गाइस फ़ोन ऑन हो गया था, एंड भाई मैं इतना खुश था इतना। एंड आई बिलीव कि मैनिफेस्ट इंस्टेंट वर्क करता है, बट मेरे जैसे बुद्धू को ये पता ही नहीं था कि लिटरली इंस्टेंट वर्क भी कर रहा है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये फिल्मों टाइप वाला सीरियस नहीं है भाई, तुम मैनिफेस्ट करो, 1-2-3-4 दिन में रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्ट। अगर तुम्हारा मैनिफेस्ट ईजी है तो जल्दी वर्क करेगा, और तुम बहुत तगड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए वेट लगेगा, एंड वेट मैंने भी बहुत तगड़ा मैनिफेस्ट किया है, तो वेट करो उसका रिजल्ट आने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ तो फाइनली गाइस आज डे 17 है एंड कल डे 18 है, 18 को रक्षाबंधन है, तो एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई राखी वाखी नहीं बनेगा लड़कियाँ, मैं लड़कियों को
बहने मानता हूँ, बस एक को छोड़ के, मतलब छोड़ो गाइस। तो एक्चुअली गाइस, एक्चुअली ये वीडियो पे वीडियो है ना जो मेरा पता है 8 बजे तक अपलोड हो जाता, बट मैं 7:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड वॉइस ओवर कर रहा था, तो उस टाइम मेरी मम्मी कह रही कि चल बाजार चल ले, तो फिर मैं बोला क्यों जाना है, तो मम्मी कह रही राखी वाखी लेना है तो अपने पसंद से ले लियो। मैंने बोला कि भाई मुझे आप जो राखी लेकर आओगे मैं उससे बनवा लूँगा, अपने और भी बहने गाइस मैं बनवा लूँगा उनसे। तो मम्मी कह रही नहीं तुझे अपने पसंद का ही लेना है, तो फिर मैंने बोला चल ठीक है। फिर मम्मी कह रही थी जूते भी लेना, मैंने बोला है मैं ऐसे करूँ मेरे लिए जूते, मेरे पास जूते नहीं है क्या। फिर मम्मी कह रही तुझे पता है कौन से जूते लेने हैं, फिर मैंने थोड़ा गौर किया सोचा अबे यार वो तो स्कूल के जूते लेने थे वाइट वाला, एक्चुअली मुझे वाइट और हमारे में वाइट और ब्लैक शूज़ चलता है, बट ब्लैक वाला शूज़ मैंने बहुत पहले ले लिया था, वाइट वाला नहीं लिया था, तो मम्मी कह रही थे चल ले लेते, एंड वही गया मैं फाइनली लेकर आया था। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में चला लिया, लिटरली आज ये फ़ोन जब मैनिफेस्ट के कारण ये फ़ोन ठीक हुआ है ना, तो भाई साहब सुबह से मैं इस फ़ोन को चला ही जा रहा हूँ, मतलब इसको मैंने रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं दिया। तो आज डे 17 था हमारे छुट्टी का, संडे का, तो ऑफकोर्स सुबह उठा मैं, फ़ोन ठीक हो गया, तो मैं चलाता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही 1 बजे मैं सो गया, 1 बजे से कम देखा तो 3:30 से ज़्यादा हो गया था, मैं सो गया था। एंड लिटरली पता है गाइस, मैं उठ के देखा तो खाना दाल चावल था एंड वो क्या कहते हैं लौकी, ऑफकोर्स लौकी की सब्ज़ी थी, दाल चावल सिंपल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस, एंड लौकी पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया कि लौकी आजकल पसंद नहीं आ रही। हाँ लिटरली मैं बैगन खा सकता हूँ, करेला भी खा लेता हूँ, पहले मुझे करेले बैगन ये सब पसंद नहीं था, बट अब मैं खा लेता हूँ, और लौकी पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं टेस्ट ही नहीं आता मुझे ऐसी सब्ज़ी में, ऐसा लगता है मुझे, इसलिए वो बना हुआ था। तो मैंने थोड़ा तड़का वड़का देकर दाल वाल फ्राई करके खा लिया एंड बचा भी था शायद, तो मस्त बनाया था मैंने, और फिर खाया। फिर क्या मैंने नहाया नहीं रखा था, तो आज मैंने बाल धोकर फिर नहाया, फिर मम्मी के लिए अच्छा किया कल आज नहा लिया बाल धोकर, कल बाल नहीं धोना पड़ेगा, मैंने बोला कोई दिक्कत ही बात नहीं है, अपन को नहाने से कोई एलर्जी नहीं है। फिर क्या फ़ोन लेके चलाने लग गया मैं, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था एक्चुअली सुबह, उसके घर मामा मामी चाचा चाची पता नहीं बहुत सारे फैमिली मेम्बर आए थे ना उसके घर, तो बहुत उसको हलचल ज़्यादा परेशान टाइप पसंद नहीं है, तो वही फ़ोन उसने किया था, तो मेरे पास फ़ोन आया नहीं स्विच ऑफ या कुछ तो बता रहा होगा, फिर उसने एस के पास फ़ोन किया, तो फिर एस ने मुझे बताया कि मेरे एस का फ़ोन आया था, ऑफकोर्स मेरा दोस्त है वो, मेरे एस का फ़ोन आया था, मेरे को विश्वास नहीं आता कि उसके पास कॉल क्यों करेगा, तो फाइनली गाइस उसने कॉल किया था, बट मैंने फिर कॉल किया तो कह रहे यार जो भी बोलने जल्दी बोल, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो ये वो करना है घर में काम, तो मैंने बोला ठीक है कॉल आती बाद में बात कर लेंगी। फिर मैं जब नहा कर आया था बाथरूम से, उस बाद मैंने उसको कॉल किया था, तो लगभग मैं आधे घंटे बात किया था मैंने, और मुझे ना और भी कुछ काम था, तो उसका कॉल सामने से कभी नहीं कट करता, बट अभी तो अपने आप कट हो गया। फिर मैंने दोबारा किया नहीं क्योंकि मुझे और इंपॉर्टेंट काम था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बस घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑफकोर्स तुम्हें पता है कि मैं घर का काम करता हूँ, लड़का हो या लड़की अपनी मम्मी का हेल्प सबको करना चाहिए गाइस, चाहे तुम एक भी छोटा सा काम भी कर दोगे ना तो मम्मी है लिटरली भाई इतना हैप्पी होंगे ना, तो मैं बता नहीं सकता मैं, तो फाइनली हैप्पी करना चाहिए। तो फिर अभी गया था मैं मम्मी के साथ बाजार बाजार कर आया, तो मम्मी खुश है और मम्मी खाना भी बना रही है और मैं बकचोदी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइनली गाइस यू नो कि कल राखी है, तो जिसको भी मेरे को राखी बांधना है तो प्लीज़ कमेंट में राखी भेज देना, और मैं कमेंट में तुम्हें आशीर्वाद भेज दूंगा, बहुत मुझे पता है पैसे चाहिए बट मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाने तो फिर देखो तुम्हें क्या भेजता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस बहुत मैंने से वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, तो मेक श्योर कमेंट करना ना भूले, वीडियो को इसके साथ शेयर करना कर सकते हो, और ये वीडियो की लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, एंड मेरा मेहनत से मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फाइनली गाइस अगर तुम्हें एवेंजर का चिट कोड चाहिए तो मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। हैप्पी रक्षाबंधन, मिलते हैं।